हेलो। सब नहा धो के आए हैं। आइए, ये तो कैसे झुक के जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो? कैटरीना से मिलने गए हैं। पता नहीं क्या बोल के जा रहा है। जल्दी चलो, माल माल पकड़ा गया। दोस्तों, अगर छोटे छोटे गाने गानों के टुकड़े बता के आपको हंसाऊं, एक गाना बहुत सुपर हिट है, पुराना गाना है, जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गया आधी रात अब घर जाने दो। वो पागल है, जाने देगा आधी रात को? इसमें गलत कुछ नहीं, एक्चुअली कि आधी रात को क्या रिक्शा नहीं मिलता है। हमारे देशमुख साहब, आप वो अपनी ऑपरेटर को हटाइए। एक दिन मैं देशमुख साहब के साथ बैठा था, ये अपनी ऑपरेटर से बोले, अरे जरा शर्मा हॉस्पिटल में फोन लगाओ। बोली, सर हमारे यहाँ वर्मा हॉस्पिटल कोई नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ शर्मा हॉस्पिटल में फोन लगाओ। सर वर्मा हॉस्पिटल कोई है ही नहीं। आई मीन टू से SHARMA। सर ये वर्मा की स्पेलिंग रॉन्ग है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया, तभी देखा उसके पापा लामला चमचा दिया बाथरूम जा तो। नहीं, चमचा लेके कैसे बाथरूम जा रहे? वो गए, जाके आए, उनकी वाइफ माला पन चमचा दे, मी पन बाथरूम जाते। मैं दोस्त को बोला, यार लोग डब्बा लेके जाते हैं, ये चमचा का क्या सिस्टम? बोले, नहीं नहीं गलत मत समझो, एक्चुअली में बाथरूम की कड़ी खराब है तो वहां चमचा घुसेड़ना पड़ता है। इंग्लिश मैं भी बहुत पैदल हूं, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है। सपरा जी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। नहीं नहीं इनको आती, ऐसे ले लिया। ये अब सरदार नहीं रहे, अब ये असरदार सरदार है। इंग्लिश में कमाल है। डियर डियर किसी प्यारे को भी बोलते हैं, अपने अजीज को भी डियर, और डियर मीन्स हिरन। फंस गया मैं, एक दिन किसी के घर गया तो उनकी मम्मी, बच्चों की मम्मी, हिरन पका के लाई। मना है, कहीं से मिल गया होगा, हिरन का मटन लेके आई बच्चों के टेबल पे। चलो चलो प्लेट निकालो, अपनी अपनी प्लेट निकालो, ये लो अपनी चपाती ले लो, ये लो किसको पीस मिले ना, हाँ ये लो मम्मी, ओ यम्मी। बताओ मम्मी ने किस चीज का मटन बनाया है? मम्मी कुछ हिंट दो ना। बस ये समझ लो मैं इसी नाम से तुम्हारे पापा को भी बुलाती हूँ। ए कोई मत खाना, मम्मी ने कुत्ता बनाया। एक बेवड़ा बार में आया, और बार में इनको, हेलो एक्सक्यूज मी वेटर कम हियर, एक्सक्यूज मी एक स्कॉच पैक मेरे लिए लाओ, और एक एक पैक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको पिलाओ, और एक पैक तुम पियो मेरी तरफ से, गो। उसने सबको सर्व किया, बिल लेके आया। ए क्या, आई डोंट लाइक, ये बिल का बात तो नहीं हुआ था, ये सब शिट, मैं थूकता हूं इसे बिल पे। वेटर ने धपा धप दो तीन दिया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन बेशरम फिर आ गया, हेलो रिकॉग्नाइज मी, ओके नो प्रॉब्लम, एक स्कॉच पैक मेरे लिए, एक एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और एक तुम पियो मेरी तरफ से। उसने आज भी सर्व कर दिया, उसको लगा शायद कल कार्ड वार्ड भूल गए होंगे, पर्स नहीं लाए होंगे, दे दिया। फिर भी लाया, नाटक बिल का। इस बार वेटर ने जो धोया है धपा धप, पूरा फोड़ फाड़ दिया। लेकिन बेशरम अगले दिन फिर वापस, हेलो एक स्कॉच बैग मेरे लिए, और एक एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और सर मेरे लिए, तुम मत पियो, तुम पी के वायलेंट हो जाते हो। मैंने सोचा है, आज आपने भी देखा है कि न्यूज यानी मीडिया इतना आगे निकल गया है, इनको सिर्फ पंच लाइन चाहिए, किसी भी तरह से पंच लाइन मिले, चाहे घर में न्यूज बना ले। कोई डूब रहा होता है पानी में, उसको बचाते नहीं है, उसको पूछते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है। पंच लाइन के लिए इन लड़ाई चल रही है, TRP की लड़ाई चल रही है। मैंने सोचा अगर राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, अगर उस जमाने में न्यूज चैनल होते तो सारे लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखा होगा रामायण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। आप उसी दाम लिए चलते हैं। देवांग मामला क्या है, कौन महिला थी ये, इसके नाक कान क्यों काटे गए,
हेलो हेलो, ये महिला बाहुबली फैमिली से बताई जाती है। इसका भाई कोई दबंग परिवार से है, बहुत खतरनाक लोग है ये लोग। और इस महिला का नाम सुपनखा बताया जाता है। ये महिला आई थी भगवान राम को छेड़ने की कोशिश करने लगी, तो भगवान राम ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने खुखरी से इसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी और सारे गटर में ढूंढती रही, लेकिन लोग इस बात से खुश हैं खुखरी नहीं मिली, लेकिन सारे गटर यहाँ के साफ हो गए हैं। देवांग, अब तक क्या रावण से बात की? रावण तू बात कर ले। आपको सीधा हम श्रीलंका ले चलते हैं, जहां मैं समझता था दीपक मौजूद हैं। दीपक बताइए, रावण की आगे की क्या रणनीति है? कमीने, कहां भेज दिया मुझे साले, कहीं आखिरी रिपोर्टिंग ना हो। सब राक्षस राक्षसनियां घूम रहे हैं, एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं। तू साले वहां बैठा है टाई पहन के एसी कमरे में, मेरे बगल में अटापट्टू खड़ा है, महिला जयवर्धन की फैमिली है इधर। अब तक क्या किसी से बात की? मैं बात कर रहा हूँ केके से बात कर रहा हूँ। ये केके कौन? कुंभकरण। केके जी बताइए, आपके भतीजे के नाक कान लो तो सोने में लगे हुए हैं, इनके सोने से प्रूव होता है श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। अबे यार, पंच लाइन मिल जाए मेरी नौकरी बच जाए। रावण से बाहर, रावण आ गया, आगे रावण आ गया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं लंकेश। भाई साहब, आपके यहाँ नॉर्मल बात नहीं होती क्या? आप बताइए, आपको कब पता चला आपकी आपकी बहन के नाक कान काटे गए? उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था, तुम्हारे चैनल से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक कान। बस बस, मेरा इंटरव्यू हो गया, आप जाओ भाड़ में। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, सबसे तेज चैनल, आज तक, कल तक, परसों तक। काम हो गया, उसको भगा दिया। मेन मकसद है पंच लाइन मिलनी चाहिए। अभी मैंने गब्बर में बहुत सारे प्रयोग किए पिछले दिनों। मैंने क्या किया, लालू को गब्बर बनाया। मैंने कहा अगर लालू प्रसाद यादव अगर गब्बर सिंह होते तो शोले का सीन क्या होता? ए कालिया, ए पगला, ललुआ यहां खड़ा, ससुरा उधर देख रहा, अरे तोरे से पूछ रहा है कितने आदमी थे? दो आदमी, एक बसंती का, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। कहे घुमा घुमा के बोल रहा, सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए सुकड़ा, अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़। अरे 2000 करोड़ का जुर्माना हमरे ऊपर कह लिए है? यहाँ से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा रात को चारा नहीं खाता है, उसकी माँ कहती खा ले नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। अच्छा खेला दिखा रहा, हम गए रहे वैजनाथ संगठा, यादव जी हम लोग गए रहे स्लम डॉग दिखा रहा। फिल्म में जो है बाल कलाकार का काम बढ़िया है। बाल कलाकार? अरे वही जिनका नाम अनिल कपूर है। अनिल कपूर बाल कलाकार? हाँ, उनके पूरे शरीर में बाल हैं। आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े।